Hello everyone, how are you all? Today in this video we will discuss about microwave diathermy. So microwave diathermy is a form of electromagnetic radiation जो कि आपके electromagnetic spectrum के अंदर short wave और infrared waves के बीच में जिसकी frequencies lie करती है, that is your microwave diathermy. एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज तक रहती है और वेवलेंथ 10 मिलीमीटर से 1 मीटर तक रह सकता है. और जो थेरेप्यूटिकली यूज फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 2450 मेगाहर्ट्ज और जो वेवलेंथ आप यूज़ करते हैं वो होती है 12.245 सेंटीमीटर. लाइक अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव डायथर्मी इज ऑल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड गवर्न by the law of reflection, refraction, absorption and inverse square law. And microwave diathermy also works on the principle of thermionic emission. Now have a look in the production of microwave radiation. इसको produce करने के लिए जो इसका circuit है उसके तीन basic components होते हैं. First one is a multi-cavity magnetron well, second one is a coaxial cable and a transducer. अब जो आपका मैग्नेट्रॉन होता है इसके सेंटर में एक कैथोड प्रेजेंट होता है एंड इसके सराउंडिंग में एनोड प्रेजेंट होता है. एनोड्स के साथ एनोड ब्लॉक्स होते हैं और ये एक पूरी रेजोनेटिंग कैविटी होती है. अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सर्किट में मेन सप्लाई के थ्रू जो कि आपका एसी होता है, तो इससे आपका जो कैथोड होता है वो हीटअप हो जाता है. उसके हीटअप होने से जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना स्टार्ट कर देता है. एंड बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ रिवॉल्व करते हैं और ये काफ़ी हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, तो एक EMF जनरेट होता है. एंड दिस EMF इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी करंट. नाउ दिस करंट आर ट्रांसफर थ्रू द कोएक्सियल केबल टिल द एंटीना. कोएक्सियल केबल के थ्रू ये एंटीना तक जाती है और एंटीना का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये आपके इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में एंड विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्टर जो ये आपका एनर्जी है इट विल बी फोकस्ड एंड इट इज़ डायरेक्टेड और ट्रांसफर्ड टू द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द एमिटर. ये भी आपके ट्रांसड्यूसर का ही एक पार्ट है. नेक्स्ट इज़ द मैथड ऑफ एप्लीकेशन. सो माइक्रोवेव डायथर्मी के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज़ योर रेडिएटिंग एमिटर एंड सेकेंड इज़ योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एमिटर. जो रेडिएटिंग एमिटर होता है वो फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, सर्कुलर एमिटर भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. जो सर्कुलर एमिटर होता है उसमें जो डेंसिटी होती है रेडिएशन की वो पेरिफेरी में ज़्यादा होती है, सेंटर में कम होती है. यानी जो टिश्यू उसके पेरिफेरल रीजन में लाई करेंगे वहाँ पर जो रेडिएशन है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा रीच करेगी और सेंटर में कम करेगी. और जो आपका रेक्टेंगुलर होता है उसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें सेंटर में जो रेडिएशन की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और पेरिफेरी में कम होगी. नेक्स्ट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एमिटर्स. नेम से ही क्लियर है ये जो एमिटर्स होंगे पेशेंट के बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगी एंड दे आर यूज टू ट्रीट द कैविटीज़. और क्योंकि हमें कोई डीपर इफेक्ट चाहिए होता है तब इन एमिटर्स का यूज़ होता है. और इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना वो 915 मेगाहर्ट्ज़ और 433.9 मेगाहर्ट्ज़ रहती है. नेक्स्ट इज़ द थेरापेटिक इफेक्ट. सो फर्स्ट इट हेल्प टू रिड्यूस द पेन. ठीक है, माइक्रोवेव डायथर्मी जो है वो पेन को रिलीफ करने में बहुत यूज़फुल है. किसी भी तरीके का ट्रॉमेटिक पेन है, रूमेटिक कंडीशन में पेन है, सुपरफिशियल मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं या स्मॉल सुपरफिशियल जॉइंट्स में पेन है, क्योंकि ये सुपरफिशियल हीट ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो ये उस तरीके के पेन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है. मसल स्पाज़म को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है. कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है. हीलिंग अगर नहीं हो रही है तो ये हीलिंग को प्रमोट करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि क्यूटेनियस सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है और जो आपके कैपिलरीज हैं उनका डायलिटेशन करवा देता है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इन्हांस हो जाती है, तो आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी अच्छे से इन्हांस हो जाता है. इन्फेक्शन है कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन, ये उसे ट्रीट करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो आपका जो सर्कुलेशन है उसे इंक्रीज़ करेगा तो आपका वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, जो WBCs है उनका काउंट, जो एंटीबॉडीज़ है उनका काउंट भी इंक्रीज़ होने लगता है. नेक्स्ट ये आपका जो फाइब्रोसिस होता है ये उसमें भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो ये फाइब्रस टिश्यूज़ है ना उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है. जैसे टेंडन हो गया या जॉइंट कैप्सूल है या स्कार्स हैं, इनकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करके ये फाइब्रोसिस में भी रिलीफ देता है.
नेक्स्ट इज़ द बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी. फर्स्ट इज़ योर पेनिट्रेशन. जो डेप्थ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट होगा. और सेकंड थिंग, ये किस मीडियम में पेनिट्रेट होती है उस पे भी डिपेंड करती है. लाइक जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें पेनिट्रेशन कम होता है. और जिस भी टिश्यू में वाटर कंटेंट कम होता है उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, ये जो एनर्जी होती है, ये आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू के अंदर जाने पर. क्योंकि इसमें टू फ्रो मोशन होता है. जो आपका आयनाइजेशन था, डिस्टॉर्शन था, रोटेशन ऑफ डायपोल था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो इसकी वजह से जो हीट एनर्जी डेवलप होती है ना, तो वहाँ पे जो एनर्जी होता है उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है. तो जो मसल्स हैं उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है. और जो बोन्स हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट कम है. तो जहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन कम होगी. जहाँ पर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगी. नेक्स्ट इज़ योर रिफ्लेक्शन. तो काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जब ये अपना मीडियम चेंज करती है. लाइक आपके एयर से स्किन का जो इंटरफेस है वहाँ पे कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है. स्किन और फैट के इंटरफेस पे भी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है. और फैट और मसल के इंटरफेस में भी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो नीचे जब ये जाती जाती है डेप्थ में, तो इस अमाउंट एनर्जी का वो रिड्यूस होने लगता है, ठीक है. और जो हीट है उसको ये कंडक्ट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज़ द इंडिकेशंस. तो इसे आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ योर डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर हो, स्प्रेन हो, स्ट्रेन हो, कैप्सुलर लेशन हो, मसल या टेंडन में टीयर हो, साइनोवाइटिस, बर्साइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, हेमाटोमा, जॉइंट स्टिफनेस सुपरफिशियल जॉइंट्स में स्पेशल, एंड डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, क्रोनिक रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सुपरफिशियल इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्टिव कंडीशन, एंड सर्जिकल इंसिजन में कोई इन्फेक्शन होने के बाद, कार्बन स्कल एंड एब्सेसिस. नेक्स्ट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन. सो फर्स्ट इज़ योर ओवर मैलिग्नेंट टिश्यू. क्योंकि मैलिग्नेंट टिश्यू के अराउंड अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जो मैलिग्नेंसी है उसका मेटास्टेसिस हो सकता है, यानी कि जो मैलिग्नेंसी वो और ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है. तो वहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते. ओवर इस्चेमिक टिश्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं. कोई एक्सेसिव एडिमा है नहीं यूज़ कर सकते. कोई वेट ड्रेसिंग है, एडहेसिव टेप है पेशेंट की बॉडी में कहीं पर भी, या फिर जो पेशेंट है उसने पेसमेकर यूज़ किया हुआ है, कोई ग्रोइंग बोन है, क्योंकि जो बोन ग्रोथ है ना ये उसको रिटार्ड करने लगती है, लिमिट करने लगती है. मेन गोनाड्स में भी इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, ठीक है. एंड हेमोरेजिक एरिया है वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. ट्यूबरक्लोसिस है जॉइंट्स में, क्योंकि इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते. इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन है, कोई अनरिलायबल पेशेंट है आइज़ के अराउंड, ठीक है, रिसेंटली कोई रेडियोथेरेपी ले रखी है, हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को हीट से, कोई एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है. ओबेसिटी में आप इसीलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो इसका डेंजर होता है ना हीट बर्न का, वो बढ़ जाता है. क्योंकि आप जो ओबीस पर्सन होंगे उसकी बॉडी में सबकुटेनियस जो फैट लेयर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है. तो एक्सेसिव हीट जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है, तो वहाँ पे बर्निंग के चांसेस हैं, मतलब इरिटेशन वगैरह. नेक्स्ट इज़ योर एनाल्जेसिक थेरेपी. अगर पेशेंट ले रहा है तो वहाँ पे भी आप जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है वो अप्लाई नहीं कर सकते. सॉरी, माइक्रोवेव. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोवेव डायथर्मी. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट. बाय बाय, टेक केयर.